हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। द कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड्स हाउ मैनी राइट्स टू द कंज्यूमर्स। तो प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो कितने राइट्स कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। तो ये 6 राइट कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। एक है राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म्ड, एंड थर्ड वन इज ये राइट टू चूज, फोर्थ इज राइट टू हर्ड, एंड फिफ्थ इज राइट टू सीक रिड्रेसल, एंड सिक्स इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये 6 राइट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ सीबीआई। सीबीआई के फंक्शंस कौन से हैं पूछ रहा है। कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटी करप्शन एजेंसीज, ये बिल्कुल ठीक है, ये सीबीआई का फंक्शन है। मेंटेनिंग क्राइम स्टैटिक्स, ये भी सीबीआई का फंक्शन है। डिसेमिनेटिंग क्रिमिनल इंफॉर्मेशन, ये भी सीबीआई का फंक्शन है। सारे के सारे करेक्ट हैं। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और नीति आयोग एक थिंक टैंक है। ओके, थिंक टैंक है नीति आयोग। इन विच स्टेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम वर यूज्ड फर्स्ट। तो ईवीएम कहाँ पे पहले, सबसे पहले यूज किया गया था, तो ये यूज किया गया था सबसे पहले केरला में। और कहाँ, कब, 1982 में केरला में ये सबसे पहले यूज किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सा है। इट इज वेस्टेड विद पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। यस, इसके पास पावर होती है कि अपने प्रोसीजर को देखे। इट हैज़ ऑल पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट की पावर्स होती है इसके पास। इट हैज़ ऑल द पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट्स का पावर इसके पास नहीं होता है। सो द आंसर इज करेक्ट, इस ऑप्शन पूछ रहा है, आंसर इज 1 and 2 ओनली। हु अपॉइंट दैट इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ फ्रॉड विथ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड है इमरजेंसी पावर जो प्रेसिडेंट की है। ये किसने कहा था, ये कहा था KM नामीबियार ने। आंसर इज डी। KM नामीबियार जो हैं वो अपोज करते थे, जो प्रेसिडेंट रूल है इसको बहुत ही ज़्यादा अपोज करते थे। और वही उन्होंने ही बोला था कि इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ फ्रॉड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद जुडिशियल एक्टिविटीज इन इंडिया। जुडिशियल एक्टिविटीज से कौन रिलेटेड है, तो PN भगवती रिलेटेड हैं, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी भी रिलेटेड हैं, और जस्टिस DA देसाई भी रिलेटेड हैं। सो सारे के सारे रिलेटेड हैं। सो द आंसर इज डी। द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन मिड 1970s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और इसमें ये सारे जस्टिस इन्वॉल्व थे। विच प्राइम मिनिस्टर एडवाइज द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी विदाउट कंसल्टिंग द कैबिनेट। तो कौन सी प्राइम मिनिस्टर थे या थी जिन्होंने बिना अपनी कैबिनेट से कंसल्ट किए प्रोक्लेम किया इमरजेंसी को, कि प्रेसिडेंट को कहा कि इमरजेंसी लगाइए। तो ये थी इंदिरा गांधी। आंसर इज सी। और कब ये हुआ था, ये 1975 को हुआ था। ज्ञानी जैल सिंह जो थे उस टाइम प्रेसिडेंट थे। हु मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन December 13, 1946 इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर इज ए। द रेजोल्यूशन लेट डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। द आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज एबोलिश्ड इन 1985। इन विच ईयर इट वॉज रिवाइव्ड बैक।
1985 में इसको क्या किया गया था, एबोलिश कर दिया गया था। कब से कब था ये 1958 से 1985 तक था, और 85 में इसको एबोलिश कर दिया गया। इसको फिर से रिवाइव कब किया गया, इसको फिर से रिवाइव किया गया 2007 से, और ये टिल डेट तक चल रहा है, मतलब अभी तक ये चल रहा है। सो द आंसर इज डी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।